आज हम लोग शूट कर रहे हैं फजीता फिल्म का और हमें बहुत 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 मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिन से शूट चल रहा है। ये है मेरे साथ सुचित्रा जी जो कि क्या बनी है? बुआ जी। यस, किसके बुआ जी बनी है ये हम बताएंगे बाद में। अयोध्या की रामलीला में सीता माता की अहम भूमिका निभा रही कविता जोशी की अब नई फिल्म आने वाली है। आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस फिल्म में कविता जोशी, जो कि अयोध्या की रामलीला में माता सीता का किरदार निभा रही थी, इस फिल्म में वो एक पुलिस वाली का किरदार निभा रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में वो इस बार अपनी अदाकारी दिखाएंगी और दर्शकों के बीच में वो काफ़ी पसंद की जाएंगी। इससे पहले गजब और फजीता, निखड़ू, जिद्दी जैसे बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग कर चुकी हैं। कविता जोशी हरियाणा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की फिल्मों में, हरियाणवी फिल्मों में अपना परफॉर्मेंस देती हैं। आपको बता दें कि जब अयोध्या की रामलीला 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में चल रही थी, तब वो माता सीता की भूमिका में अपना जोरदार प्रदर्शन दिखा रही थी। अयोध्या की रामलीला से पहले कविता जोशी हरियाणा की कई मुख्य फिल्मों में हीरोइन का किरदार निभा चुकी हैं और इसके बाद अयोध्या की रामलीला के बाद उनकी लोकप्रियता पूरे उत्तर भारत में देखी गई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में उनकी चर्चा तेजी से हुई, क्योंकि दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था अयोध्या की रामलीला का। कविता जोशी राम के साथ यानी सोनू डगर के साथ माता सीता का भूमिका अदा कर रही थी और हरियाणा की फिल्म में उन्होंने इससे पहले अच्छे प्रदर्शन किए थे। अब उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसमें वो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। इससे पहले जहर, ठेठ गांव, पहला प्यार और डेरी वाला, गजब, फजीता, जिद्दी, निखड़ू और ऐसी तमाम बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं जिससे उनकी लोकप्रियता दिन दुना रात चौगुना बढ़ती गई। कविता जोशी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से हैं लेकिन हरियाणा की फिल्मों में काम कर रही हैं। तो कविता जोशी की जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में हम डिटेल बता रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है और हमारी तरह कविता जोशी की आने वाली फिल्म जिसमें वो इंस्पेक्टर बनी है उसको भी बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।